Good morning, students and parents. Hope you all are doing well. Today we will go through our next topic, things I can do. We can call them action verb also. Things I can do, but जो चीज़ आप खुद कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? Action verbs. हम तो खुद करते हैं. First is sit. Sit यानी बैठना. आप चेयर पे बैठते हो. टॉयज पे बैठते हो, दैट इज कॉल्ड सिट. नाउ आवर सेकंड वर्ड इज स्टैंड. स्टैंड यानी खड़े रहना. वी स्टैंड इन अ क्यू. हम लाइन में खड़े रहते हैं. आप खड़े रहते हो ना, दैट इज कॉल्ड स्टैंड. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्राई. आप क्राई करते हो ना, व्हेन समथिंग इज ब्रोकन. आपका फेवरेट चीज टूट जाता है, आपका फेवरेट टॉय टूट जाता है, उस टाइम पे आप रोते हो, नाराज हो जाते हो, रोते हो, दैट इज कॉल्ड क्राई. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लाफ. लाफ यानी हंसना. जब आप खुश होते हो तब आप हंसते हो ना, दैट इज कॉल्ड लाफ. लाफ यानी हंसना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पिक. पिक यानी कोई भी चीज जो होती है उसको उठाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉल से खेल रहे हो तो आप बॉल उठाते हो ना, दैट इज कॉल्ड पिक. हम उसे उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड पिक. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज थ्रो. थ्रो यानी फेंकना. आप जब खेलते हो तब जो फ्लाइंग डिश होती है उसको आप फेंकते हो, दैट इज कॉल्ड थ्रो. जो चीज हम फेंकते हो उसके लिए बोल होता है थ्रो. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्ले. प्ले यानी खेलना. आपको खेलना पसंद है, प्ले विथ योर फ्रेंड्स. प्ले यानी खेलना. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज किक. किक यानी मारना. सपोज हम फुटबॉल से खेल रहे हैं तो उस टाइम पे हम अपने लेग से फुटबॉल को जो मारते हैं, दैट इज कॉल्ड किक. सो दीज आर द वर्ड्स विच वी कैन डू. ये जो वर्ड्स है जो हम खुद करते हैं. नाउ अगेन आई विल रीड. Sit yani baithna. Then second is stand. Stand yani khade rehna. Then cry. Cry yani rona. Then next is laugh. Laugh yani hasna. Pick. Pick yani uthana. Koi bhi cheez se hote usko uthate pick. Next word is throw. Throw yani fekna. So throw yani फेंकना. नेक्स्ट वर्ड इज प्ले. प्ले यानी खेलना. ग्राउंड में खेलते हो. नेक्स्ट वर्ड इज किक. किक यानी बॉल को जो मारते हैं लेग से, दैट इज कॉल्ड किक. सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू. हम जो करते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.